बोली क्या है? ये क्या है? ठंडी, आपको गर्मी लग रही है क्या? खाना खा लिया ना इसके लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सो आज जो है सुबह के बजे है 9, नाश्ता हो चुका है, ऑफिस जाना है, उससे पहले एक राउंड लूडो का चलेगा। चुपचाप लगा के इशारा किए हैं, पंखा चलाओ। और इनको मैंने आम बना किया था रात में खाने के लिए, तो रात में नहीं खाए, मतलब मैं नहीं मना किया डायरेक्टली, मैं बोला कि ठीक है आम नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज़ है थोड़ा, पेशेंस कंट्रोल कंट्रोल। सुबह सुबह जो है पराठा वराठा बनाया और छिपके से आम छेप लिए, जब एक दो बाइट ले लिए तो मैं छेड़ दिया, मतलब रात में रात में टोका तो सुबह खा लिया आपने। चलिए लूडो खेलते हैं टाइम पास। मुंबई में बारिश का कहर जारी है और कभी धूप कभी पानी। अभी जैसे देखिए उधर धूप दिख रहा होगा समंदर में बीच में, उधर धूप है और इधर अभी बारिश भी है, टप टप हो ही रहा है। और इसी के साथ में हमारा घर का जो है सिस्टम फर्स्ट क्लास है, छप छप छाई छपाक छाई, आराम भी कर लिया, एक नींद भी मार लिया है और इन्होंने अपना एक्सरसाइज भी कर लिया इधर लेटे लेटे, लूडो भी खेल लिए हम लोग, तो फुल जो है ना आज हम लोगों ने काम कर लिया है सारा। और अब निकलते हैं ऑफिस, चल रहे हैं, चलेंगे पक्का, तो फिर तो गाड़ी निकालनी पड़ जाएगी आपको, लेके जाना होगा। तो हाँ, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या करना है इनके साथ में, इनको उठा के लेके जाना है कि नहीं जाना है। सेम मास्क मुझे मिला नहीं अभी तक, इसमें दो तीन लेयर कह सकते हैं, दो या तीन लेयर वो अकाउंट नहीं किया है। एक तो डार्क कलर है, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कलर पे चला जाता है, मान लो वाइट है, ब्लैक पहना है, कुछ भी पहना है तो ये आपको ठीक दिखेगा। अगर ग्रीन ले लो, वाइट ले लो, तो वाइट तो गंदा बहुत जल्दी हो जाना है, कौन सा रोज चेंज होना है, नया मास्क लगाना है। ये क्या है, साफ भी हो जाता है, वॉशेबल। बस एक ही कमी हो गई है कि ये जो है ना इसका, ये ढीला हो गया है। सर सोल्यूशन कुछ निकालेंगे इसमें बैठ के, चलिए ऑफिस। तो ये रहा हमारा बिस्किट का लंच कह सकते हैं, फोन आ गया फिर से, इसको रख रहे हैं, ग्रीन टी की तैयारी चल रही है, ग्रीन टी पियेंगे फटाफट। सो हम लोग आज चाय का आनंद लेंगे, ऑफिस के अंदर नहीं, ऑफिस के बाहर, इधर से 1 लाख वाला व्यू देते हुए। क्या 1 लाख का तो व्यू है यहाँ? इतना यहाँ आने के लिए तो 1 लाख पे करते हैं ना, मतलब व्यू लेने के लिए, तो आज व्यू लेते। हाँ मैं पूछ रहा था, तो क्या कंडीशन है वहाँ का तुम्हारे एरिया में कोविड का? सारा चीज़ नॉर्मल हो गया है, लेकिन पुलिस जब विदाउट मास्क देखती है तो डांटती है, बोलती है और फाइन नहीं मार रहे? नहीं फाइन नहीं मार रहे, वहाँ कंजेस्टेड एरिया है। कहाँ पे, कौन सा एरिया तुम्हारा? धारावी। अरे इधर धारावी से है, हम दुनिया देख रहे हैं, मेरे को तो मालूम ही नहीं कि धारावी से आता है ये। अरे उधर तो ज्यादा केस है, मेरे को गए हैं। पता रहता तो मैं इसको आने नहीं देता ऑफिस में। धारावी से आ रहा है ये, तुम कहीं और से आते थे पहले? पटाला से आता था। फिर तो, अब धारावी कब गए? हाँ धारावी चेंज। कब से? जब से यहाँ से आया। अरे बा, लॉकडाउन में ही धारावी चला गया, लोग लॉकडाउन में धारावी से भाग के बाहर। सबसे बड़ा स्लम है, सबसे बड़ा कोविड का केसेस, लेकिन केसेस कम हो रहे हैं वहाँ पे। केसेस कम। हाँ तो वहाँ पे कहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन होना, बताओ भाई। मेरे को तो भाई कुछ नहीं, सब 67 के 67 कितना भी जगह ही कम है, जगह 67 के क्या जाना है। अब ये सोचो ना, ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये है, अगर आप देखेंगे ये जो देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी भी रोड नहीं होगी उधर, तो है इतनी बड़ी नहीं, गली गली जो है, गली गली है, पतला गली, इसका हाफ होगा, इतना होगा क्या? ये होगा, दो टाइल्स होगा, इसी में सब जाते आते हैं, यही ना। ये देखिए, ये गवाह है जो बता रहा है, जो रह रहा है वहाँ पे। आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन फैक्ट है ये। धारावी में मेन रोड थोड़ा चौड़ा है, 20 फीट का होगा जिसमें गाड़ियाँ चलती होंगी, 20 फीट का, लेकिन उसके पास जो गलियाँ जो गलियाँ जो जाती है ना, सारी गलियों का वही हाल है।
केसेस बढ़े, अभी तो कम हो रहे हैं ना, क्यों क्यों कम हो रहे हैं बताओ, क्या वजह है? सारे बिहारी जो धारावी में रहते थे सब तो वहाँ चले गए, अब केस वहाँ दे रहे हैं सब सब वहाँ केस बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ कम हो गए। सही बोल रहे हैं, सारे लोग जो है अभी चले गए हैं, यहाँ बॉम्बे खाली है ऑलमोस्ट। आप देखो लॉकडाउन तो चल ही रहा है, ये देखिए ना अभी भी खाली है, अब ज़्यादा भीड़ है नहीं क्या? और बैठे बैठे अभी रोड देख रहा था, अभी केबिन से ऑफिस के अंदर से देख रहा था रोड पे, तो बड़ा ये था कि यार ये कब जाएगा, क्योंकि अभी सुनने में यह है कि पटना में कल से फिर से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, 6 दिन के लिए लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन कर रहे हैं। और भी यू नो अर्बन एरियाज़ में जो बिहार के अर्बन एरियाज़ हैं, जो मेट्रो सिटीज़, मेट्रो शहर कर लीजिए, कल से कर रहे हैं हर जगह कंटेनमेंट जोन जो है ना, एकदम हाई अलर्ट कर दिया। सो फिर से छोटे छोटे जगह कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। और टेक्निकली अगर देखो क्या हो रहा मालूम है, कहाँ कर रहे हैं, जो सेंट्रल है, जैसे बॉम्बे सेंट्रल है, बिहार का अगर सेंट्रल आप देख लेंगे तो पटना है या मुजफ्फरपुर है, झारखंड का रांची है, तो ऐसे शहर में लॉकडाउन हो रहा है फिर से, कल कुछ कर रहे हैं, तो अगर ऐसे करेंगे तो वो तो हब है काम का या फिर किसी भी चीज़ के लिए, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिज़नेस तो ऊपर उड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है, अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे हम लोग, दबाया जा रहा है वैसे, कोरोना का बैठे सारे को दबाओ। और मौसम काफ़ी बेहतरीन, बारिश होना है और कॉफ़ी का मज़ा ये व्यू के साथ में, पैसे इसी के हैं, और सारे होर्डिंग्स खाली हैं। देखिए ये होर्डिंग है, यहाँ पे ब्राइट वालों का है और उधर माता जी हैं, वो माता काफ़ी फेमस हुई है, वो उनका वो ग्लोबल वाले हैं, वो माता वाले में बता दूं मैं कि उनका वो जो माता है उनका कुछ टेलीफोनिक यू नो वायरल हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, फ़ोन पे बात करते क्या बोलते हैं, वही टेलीफोनिक जो टॉक होता है, किसी से बात कर रही थी बड़े रोमांटिक वे में, तो वो वायरल हो गया है, हुआ था, सर्च कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, क्या नाम मालूम है क्या वो माता का? हाँ लेकिन फेमस हुई थी बीच में, याद है ना? तो वो बादल भी साले अपने ऊपर ही है, देखिए इधर से इधर भी देखेंगे तो इधर से ही, उधर नहीं है, इधर ही ऊपर ही है, इधर ही है, इधर भी जाएंगे तो इधर भी ख़त्म है, इधर ही दे रहा है, मतलब प्रॉपर फीलिंग दे रहा है, 1 लाख रुपए का ये लो, 1 लाख रुपए पियो। अगर 4 महीने और हो गए ना लॉकडाउन, तो अभी तो ऑनर फ़ोन नहीं करता है क्योंकि हमारे डिपॉजिट है वहाँ पे 6 महीने का, जिससे 4 महीने हो गए, ठीक है, तो 2 महीने बाद ऑनर बोलेगा आप खाली करो, हो गया तुम्हारा काम पूरा, पैसे दिए नहीं 6 महीने में, 6 लाख, देखते हैं, मेहनत कर रहा है आगे भी, तो हो जाएगा। एक स्टाफ और आ जाने का बोल रहे हैं 10 तारीख के पास, में बोला 10 नहीं वेट कर लो, 15 से बोलना उसको, ठीक है, 10 से बोल सकते हो, अल्टरनेट बोलना उसको, लेकिन 15 से बोलो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, 10 को छुट्टी रहेगा ऑफिस में, छुट्टी है, बर्थडे है। लोग कंटेंट ढूंढते हैं, कंटेंट हमारे पॉकेट में है, इधर धारावी, आज का तो कंटेंट मिल गया है मुझे ब्लॉग का, स्टाफ फ्रॉम धारावी प्रेजेंट यू, माई सेल्फ प्रेजेंटिंग यू स्टाफ फ्रॉम धारावी। ये तो कोविड में धारावी ऐसे ही स्लम, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, और उसके बाद कोविड में तो सबसे ज़्यादा फेयर इंडिया में यही था कि धारावी कैसे कंट्रोल करेंगे। अभी कितने केसेस आ रहे हैं पर डे, कुछ आइडिया है? लास्टली 5000 सुना था, मतलब टोटल केस, टोटल 5000 केसेस है अभी, टोटल 5000 केसेस है अभी, सो ज़्यादा ही होगा, 5000 नहीं होगा, ज़्यादा होगा, मैं चेक करता हूँ। आज का कंटेंट है, इतने दिन से ऑफिस आ रहा है, अब आज अचानक पूछा मैं कहाँ से, धारावी सर, धारावी, चलो ठीक है, वो भी बताती है पहले दूसरी जगह रहता था, अभी धारावी सर, मैं तो बोलेंगे हाँ पहले दूसरी जगह रहता था, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से धारावी रहता है, सोचने वाली बात है, बोलता वो भी बता दीजिए, मैं ठीक है बता देता हूँ मैं, इसके जैसा इंसान जो लॉकडाउन होने का धारावी शिफ्ट कर गया, लोग धारावी से घर भाग गए, जैसे बोला बिहारी चले गए बिहार, यूपी वाले चले गए यूपी, क्राउड कम हो गया, और ये धारावी पहुंच गया है इंस्पेक्शन करने के लिए। सस्ता मिल रहा था क्या उधर रूम जो चले गए तुम उधर लॉकडाउन में, फ्री में मिले तो लोग ना जाए, तुम लॉकडाउन में चले गए पैसा दे के, चलो
हंसी मजाक क्या करे, सुबह से सारा काम ही कर रहा है। कुछ तो हो, कुछ तो हो, दो ही आदमी इसी को पकड़ के, और एक आपको बस नाम याद आ गया उस होर्डिंग वाली का। और देख लो, पहले फिर से दिखाता हूँ, वो रहा वहाँ पे राधे माँ। सो राधे माँ काफ़ी फेमस है। राधे माँ का आप गूगल पर सर्च कीजिए, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे आपको उसका वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। न्यूज़ चैनल ने बहुत चलाया था राधे माँ, बहुत अब जो है सो है, रोमांटिक हो गई थी, क्या कर सकता हूँ मैं, फैक्ट। राधे माँ देखिए, देखिए सर्च मारिए फटाफट। ये है राधे माँ, धमकियां देती हुई सुनाई देंगी, और जब बात नहीं बनती तो वो प्यार का जाल भी फेंकती। एबीपी न्यूज को राधे माँ के 13 साल पुराने विरोधी ने दी है राधे माँ के फोन कॉल्स की ऐसी रिकॉर्डिंग जो खोल रही है राधे माँ का कच्चा चिट्ठा। आखिर राधे माँ की हकीकत क्या है, वो देवी है या फिर राधे माँ की हकीकत क्या है, वो देवी है या माँ है? YouTube पे सर्च मारिए, मैं नहीं बोल रहा, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, मैं जो देखता हूँ मीडिया पे वो बोल रहा हूँ आपको। हो सकता है आप लोगों को पता नहीं हो, राधे माँ सर्च मारिए, वही हो रही है। सो अभी ट्रैफिक की कमी नहीं है, लोग ऐसे बौरा गए हैं। भैया व्लॉग बना रहे थे, इसको भी डाल लो। और आ गए हॉर्न बजा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, अभी आदत सी हो गई है। वापस से पुराने दिन, तो लुकड़ वाला में ऑफिस आ गए हैं कॉफ़ी पीने, और थोड़ा नाश्ता वगैरह दोपहर का खाना, गाड़ी वाला पार्टी है बता रहा है। तो एज यूजुअल आज चिकन चिकन खा, चिकन क्या बोलते हैं इसको, मैक चिकन, मैक चिकन। तो चलते हैं, रोकड़ वाला है, मौसम तो बेईमान है ही। एक्शन एक्शन रोल कैमरा एक्शन साइलेंस। सो आज जो है, आज शूटिंग चालू है, साइलेंस पूरे मार्केट को साइलेंस करवाएगी अभी। और भाई चलो कैमरा में इसको भी ले लो, पैसे मांग लो। मास्क किधर है तुम्हारा, मास्क किधर है? पुलिस वाले 1000 रुपये फाइन दे रहे हैं, मालूम है कोरोना जानते हो क्या होता है, जानते हो ना क्या होता है, बीमारी है, छूने से फैल जाता है, इतने दूर में भी अगर होगा तो फैल जाता है। तो मास्क पहना करो, क्यों नहीं पहनते हो मास्क, बीमारी हो जाएगा सीधे हॉस्पिटल चले जाओगे, जितना कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जाओ घर जाओ, जाके आराम करो, जाओ जाओ जाओ। ज्ञान दे दिया है, अभी ज्ञान ही बांट सकते हैं, लॉकडाउन ने पॉकेट तो खा ली है, तो पॉकेट से भी निकाल के ज्ञान देते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग जो यहीं क्लोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो बैटरी है वो बचा है 5%। चलिए आज के ब्लॉग को क्लोज करते हैं, फिर कल तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, बाय।